एक और आईपीओ आ चुका तो चलिए आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी 1987 में इनकॉर्पोरेटेड थी। कंपनी इन्वॉल्व इन द दी पार्क जोन बाय द पार्क दी स्टॉप बाय जोन एंड ऑल्सो एंगेज इन द रिटेल फूड एंड बेवरेज बिजनेस। कंपनी का आईपीओ 920 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 600 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और लगभग 320 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। 2023 कंपनी के पास 80 रेस्टोरेंट एंड नाइट क्लब है। कंपनी के पास 27 होटल्स भी है जो ऑल ओवर इंडिया फैले हुए। कंपनी का हेडकाउंट अराउंड 1900 के आसपास है। कंपनी का आईपीओ 5th फेब को ओपन हो चुका है एंड 7th फेब इसकी लास्ट डेट होने वाली है। 8th फेब को आपका आईपीओ फाइनलाइज हो जाएगा। 9th फेब से आपका रिफंड इनिशिएट होने लगेंगे। 12th फेब और इसकी लिस्टिंग डेट रखी। आईपीओ का प्राइस बैंड 147 से 155 रखा गया है और आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपर बैंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम एक लोट कर सकते हैं। एक लोट में 96 शेयर है। इसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपीज और मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी आईपीओ की प्रोसीड अपनी बोरोइंग को कम करने और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करने वाली है। कंपनी जिस वैल्यूएशन पर आ रही है उसके अकॉर्डिंग उसका पीई रेशियो अराउंड 56 निकल के आता है और इंडस्ट्री का पीई भी अराउंड 56 के आसपास ही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपनी जिस वैल्यूएशन पर आ रही है वो एक अराउंड फेयर वैल्यूएशन है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात की जाए तो कंपनी 2021 में 190 करोड़ का रेवेन्यू किया था। वही रेवेन्यू 2023 में बढ़कर 524 करोड़ हो गया था और सितंबर 2023 तक कंपनी ऑलरेडी 272 करोड़ का रेवेन्यू कर चुकी है। वही दूसरे पेट की बात की जाए तो जहां कंपनी 21 में 76 करोड़ के लॉस में थी, वही कंपनी 2023 में 48 करोड़ के प्रॉफिट में रही। सितंबर 2023 तक कंपनी ऑलरेडी 23 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुकी है। और वही दूसरी ओर बोरोइंग की बात करें तो कंपनी 2021 में 593 करोड़ की बोरोइंग थी, जो ऑलमोस्ट सेम ही थी 2023 में 597 करोड़ रही।